So hello and a very good morning to all. This is me Rahul Bharadwaj and I welcome you all to Let's Crack UPSC-CSE. So guys, please let me know that everything is fine so that we can start. All of you are welcome to the class. Please let me know that everything is fine. All of you guys, please pay attention. Okay, this is our डेली पी आई बी एनालिसिस. पी आई बी एनालिसिस है आपकी गवर्नमेंट की एक तरह की न्यूज़ एजेंसी है. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. तो जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसी होती है आपके न्यूज़पेपर्स में नहीं आ पाती है. सो वी कवर ऑल दीज न्यूज़ विच आर रेलिवेंट फ्रॉम यू पी एस सी और एनी ऑफ योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, यू पी एस सी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करता है, स्पेशली सिविल सर्विसेज एंड योर प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज. ओके, जो आपके स्टेट पी सी एस एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है. दिस इज़ द फुल बैच कोर्स, यू कैन स्टिल ज्वाइन दिस कोर्स. फुल बैच कोर्स का मतलब है आपका प्री प्लस मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है अलॉन्ग विद दिस टेस्ट सीरीज. सो वंस यू ज्वाइन द अन अकेडमी, तो ऐसा नहीं है कि केवल आप एक कोर्स के लिए पे कर रहे हैं. ओके, यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज ऑफ ऑल द एजुकेटर्स. 80+ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं. ओके, ये आपका कंप्लीट करंट अफेयर का कोर्स है जो कि 1:30 PM से आपका क्लास है इसकी, 1:30 to 3:30 PM ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म. ओके, इफ़ यू आर ऑन द प्लस यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन मी. सो यू वॉन्ट हैव एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग द करंट अफेयर. आपको कॉन्फिडेंस रहेगा एक करंट अफेयर, एंड करंट अफेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द इंपॉर्टेंट ऑप्शनल्स, जो भी पॉपुलर ऑप्शनल है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका सोशोलॉजी ऑप्शनल है, डॉक्टर जी एल शर्मा इज़ देयर. ओके, काफ़ी रिनाउंड जो है फैकल्टी है सोशोलॉजी की, काफ़ी सारी बुक्स उन्होंने सोशोलॉजी पे लिखी हैं. तो इस तरह के आपको टीचर्स एक्सेस हो जाते हैं. ओके, जो भी आपके ऑप्शनल्स हैं वो भी आप कवर कर सकते हैं ओनली विद दिस वन सब्सक्रिप्शन. यू डोंट नीड टू गो फॉर अलग अलग पे नहीं करना है, केवल एक ही बार आपको फीस देनी है. एंड यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज एंड यूज़ दिस कोड आर बी लाइव टू गेट 10% डिस्काउंट. नो कॉस्ट ई एम आई ऑप्शन एक्सेट्रा इज अवेलेबल. इफ़ यू गो फॉर दिस 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इट विल बी अगेन कॉस्टिंग यू अराउंड 80 rupees वॉट पर डे. फाइन, सो योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, दिस इज द पावर ऑफ इनोवेशन. एंड यू डोंट नीड टू शिफ्ट सम इन सम बिग सिटी. ओके फाइन, एनी क्वेरी रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन यू कैन कॉल एट दिस नंबर. ओके, फॉलो दिस टेलीग्राम ग्रुप टू गेट अपडेट ऑफ इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स. साउंड आपकी कम आ रही है, इंक्रीज द वॉल्यूम. व्हाट इज द इश्यू विद दिस? Is there any issue with the voice, guys? Please let me know. Is there any issue with the voice? Sound kam aa raha hai. Fine. Okay, in today's morning session there was an issue of the sound. I don't know why is it happening. Let me correct it. Sound should be fine, guys. Sound should be fine. Sound is fine, guys. Let me check it at once. Am I audible? Sound is fine, guys. Sound is fine. I am able to hear in this. It's fine, all of you. इट्स ऑडिबल ना, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, इट्स ऑडिबल, दैट्स फाइन. ओके, सो ग्रेट ग्रेट. सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप ऑल ऑफ यू सो दैट वी कैन स्टार्ट. यहाँ पे आपकी बात हो रही है जो यूनियन मिनिस्टर हैं आपके,
यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई श्री नितिन गडकरी जी हैं। उन्होंने बात की है कि इंडिया विल बी अ मैन्युफैक्चरिंग हब। ओके, मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कि इंडिया जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग हब होने वाला है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, विद इन द 5 ईयर्स। सो गवर्नमेंट इज़ डेफिनेटली टारगेटिंग। एंड प्लीज़ लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट, आई मीन दिस इज़ अ पर्सनल थिंग अबाउट द मिनिस्टर्स परफॉर्मेंस। अगर आप जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं, इफ़ यू सी द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ श्री नितिन गडकरी, ओके, डेफिनेटली दिस इज़ अ पर्सनल कमेंट, बट लेट मी शेयर दिस थिंग विद यू। इफ़ यू सी द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ श्री नितिन गडकरी, यू विल सी कि ये एक ओवर परफॉर्मर के अंदर आते हैं, ठीक है ना। ये इनका जो टारगेट है उससे ज़्यादा ही ये शूट करते हैं। इफ़ ही वॉन्ट्स टू अचीव दिस 100%, तो इनका टारगेट ज़्यादा ही रहता है। ओके, अगर आप इनका टारगेट देखते हैं, आई मीन ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, सो इफ इज सेइंग इट मीन्स ही हैज़ दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी विथ ह्यूज कमिटमेंट। ऑब्वियसली सबके पास है, बट ही हैज़ दैट काइंड ऑफ स्किल टू इम्प्लीमेंट एंड अचीव द रिजल्ट्स। ओके, ये पॉपुलर इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। आपका जो सिविल सोसाइटी का सर्किल है, पॉलिटिकल सर्किल्स हैं, उसमें एक तरह का रैपो ये कैरी करते हैं। ओके, ऑफ दिस अचीवर। रैपो होता है ना फ्रेंड्स के अंदर, आपका होता है कि हाँ यार, जैसे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो ये बैट्समैन है, हाँ यार ये फ्रेंड्स है तो ये चौके छक्के मार लेगा, सच काइंड ऑफ थिंग इज। सो इट्स टॉकिंग अबाउट मेकिंग द इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आपको ई हाईवे की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होंगे, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारा जो मैन्युफैक्चरिंग एट्सेट्रा, काफ़ी सारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व रहेंगी। बट एज़ फार एज़ द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ कंसर्न, उसके लिए आपको ई हाईवे या इलेक्ट्रिक रोड चाहिए। वट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ई हाईवे, प्लीज़ सी इन दिस पिक्चर। प्लीज़ सी दिस पिक्चर। ओके, एज यू कैन सी, ये जो आपका हाईवे है, रोड है, ऊपर इस तरह से ये वायर लग रहा है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहा है व्हीकल्स को, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रहा है। इससे पहले ऐसी चीज़ आपने केवल और केवल रेलवेज़ में देखी थी, रेलवेज़ में हम इस तरह से देखा करते थे। इस तरह से जो पावर सप्लाई रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रहेगी रोड पे, उसको क्या कहेंगे आप, ई हाईवे, ई रोड, इलेक्ट्रिक रोड, फाइन, इलेक्ट्रिक रोड सिस्टम, काफ़ी सारे नाम हैं। सो इट इज़ अ रोड विच सप्लाइज इलेक्ट्रिक पावर टू व्हीकल्स ट्रेवलिंग ऑन इट, फाइन। एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड ई हाईवे, आपका अनाउंस कर दिया है। कहाँ पे अनाउंस किया है, दिस दिल्ली मुंबई जो ग्रीन कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई का जो ग्रीन कॉरिडोर है, इसको गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है, फाइन। तो इस तरह से रहेगा, ये आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो इस पे भी चल सकते हैं, हाइब्रिड रहेंगे। ओके, फ्यूल पे भी चल जाएंगे तो पॉल्यूशन कम रहेगा, स्ट्रीम आपका जो है स्पीड भी वो रहेगी, फाइन। सो मैनी बेनिफिट्स आर देयर। एट द सेम टाइम 18 चार्जिंग स्टेशन विल बी सेट अप नियर द टोल प्लाजा, नियर द टोल प्लाजा। तो ये आपका वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यमुना एक्सप्रेस वे को भी डेवलप किया जा रहा है, आपका दिल्ली जयपुर वाला जो रूट है दैट लाइज इन दिस दिल्ली मुंबई, उसको भी डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट बात हो रही है अगेन, आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है फॉर दिस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये जब गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया था तब हमने बात की थी। अंडर दिस स्कीम, कौन सी स्कीम है आपका, MSP फॉर MFP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो गवर्नमेंट कह रही है इसके थ्रू हमने लगभग 2000 करोड़ रुपए जो है इंजेक्ट किए हैं ट्राइबल इकोनॉमी में। ओके, ट्राइबल वेलफेयर की बात हो रही है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइबल वेलफेयर हियर। गवर्नमेंट इज सेइंग विद द इंक्रीज इन दिस MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है, जिस प्राइस पे गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, गवर्नमेंट जो प्रोक्योर करेगी, खरीदेगी किसानों से, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनसे, तो वो मिनिमम प्राइस एक डिसाइड कर देती है गवर्नमेंट, हम इस पे लेंगे। तो इसको इंक्रीज़ किया गया था। इससे रिलेटेड जो आपकी स्कीम है और योजना है, वैसे हमने देखा है प्रीवियसली में काफ़ी बार, अगेन आपको बता देता हूँ किस स्कीम की बात हो रही है। ये जो वेबिनार कंडक्ट हुआ है अभी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो वेबिनार कंडक्ट हुआ है, क्या नाम है इसका, दिस द नेम इज़ MSP फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, दिस इज़ द नेम ऑफ दिस वेबिनार। तो अब ये योजना क्या है, कौन सी ये स्कीम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अंडर दिस स्कीम
मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इनको प्रोक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने प्राइस आपका एस्टेब्लिश किया है। फाइन, या शशि यू कैन डेफिनेटली कॉल एट दिस नंबर एंड नो अबाउट द डिटेल्स। वो नंबर इसीलिए दिया जाता है आपकी क्वेरी जो भी हो उस पर आप पूछ सकते हैं। सो MFP माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये क्या होती है? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होंगी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। दिस वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज़ पे अटेंशन। एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है कौन सा नहीं है। तो जितने भी नॉन टिम्बर, टिम्बर क्या होती है जो आपकी इस तरह से लकड़ी मतलब जलाऊ लकड़ी टाइप जो भी होता है, तो नॉन टिम्बर ओरिजिन जिसका भी है, फॉर एग्जाम्पल आपका हनी हो गया, ओके, बैम्बू इज देयर, केन्स हैं, फोडर है, आपकी लीव्स हैं, ओके, हनी हो गया, लाख हो गया, वाइल्ड फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ये सब इसके अंदर आएंगे। तो ये क्या है? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। तो गवर्नमेंट इनको क्या कर रही है? प्रोक्योर कर रही है विद द हेल्प ऑफ दिस MSP, ताकि जो ट्राइबल्स हैं, जो कि आदिवासी है, जनजातियाँ जो भी हैं, उनको भी हेल्प मिल सके। शुरू में आपका कुछ स्टेट्स जो कि फिफ्थ शेड्यूल के अंदर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फिफ्थ शेड्यूल में स्टेट्स हैं, उन्हीं में की गई थी। अभी अक्रॉस द इंडिया है, सभी स्टेट्स में इसको अप्लाई किया गया है। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल में कौन से स्टेट्स आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिक्स्थ शेड्यूल है वो किससे डील कर रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसी से रिलेटेड आपकी वंदन स्कीम है, जिसको तो हमने बहुत बार डिस्कस किया, अभी तो आपको रट जाना चाहिए वंदन स्कीम क्या है। वंदन स्कीम किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की है, जो क्या करेगी, जो भी आपकी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जैसे कि हनी हो गया, तो उसमें क्या कर रही है? वैल्यू एडिशन कर रही है। ओके, जैसे हमने डिस्कस किया था आपका जो ग्रास होती है, ठीक है ना, ब्रूम ग्रास होती है, झाड़ू के लिए जो ग्रास होती है, उसके ऊपर वैल्यू एड करके उससे ब्रूम्स बना दिए, तो वो डायरेक्ट ब्रूम को बेच रहे हैं। तो ब्रूम आपका जो ब्रूम ग्रास थी वो 7 रुपये में बिक रही है, 1 किलो घास, 1 किलो घास से आपने 5 झाड़ू बना दी, तो इसको 60 रुपीज़ की 1 झाड़ू है, तो 300 रुपये मिल रहे हैं। पहले 7 रुपये मिल रहे थे, अभी 300 रुपीज़ मिल रहे हैं। ओके, ये बेनिफिट है इस वंदन योजना से, इस तरह से आप समझेंगे। नोडल एजेंसी कौन है, कौन यहाँ पे इंप्लीमेंट में हेल्प कर रहा है? ट्राइफेड। ट्राइफेड इज हेल्पिंग इन इट्स इंप्लीमेंटेशन। सो मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस दिस वंदन योजना। फाइन, आपके वंदन विकास समूह की हेल्प से ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। जो वैल्यू एडिशन किया जा रहा है कौन करेंगे? SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। मतलब कुछ 10-15 लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, ओके, अपने रिसोर्सेज को पूल कर लिया और उसको कहा गया SHG, नाम दे दिया वंदन विकास समूह। अब ये काम करेंगे। ओके, फाइन, लेट्स मूव टू दिस नेक्स्ट न्यूज़, जो हमने अभी कल भी डिस्कस की थी, आपका जो कोयला है, ओके, कोल से रिलेटेड न्यूज़ हमने डिस्कस की थी कि कोयले की जो आपकी ऑक्शनिंग की जा रही है, कंपटीशन मतलब कोयले का जो कंपिटिटिव कमर्शियल माइनिंग की जा रही है, ओके, कंपिटिटिव बिडिंग मतलब ऑक्शन मतलब नीलामी, कोयले की जो नीलामी है उसको पूरा ओपन कर दिया गया है। पहले काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन थे, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में ये डिक्लेरेशन हुआ था। तो ये पूरा जो है डिटेल में टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड रेफर टू द प्रीवियस सेशन, यस्टरडे का आप सेशन देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप क्लिक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाती है। तो कोई भी आपका लेक्चर है, चाहे मेरा सुबह 7 बजे वाला डेली करंट अफेयर है या फिर आपका PIB एनालिसिस है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करेंगे, 1-2 डेट वाइज सारे वहाँ पे आ जाएंगे। ओके, सो यू वॉन्ट टू फाइंड एनी, यू वॉन्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट एक्सेस टू ऑल दिस वीडियोज। ये न्यूज़ हमने कल डिस्कस कर लिया है। ओके, फाइन, नो इट डज नॉट मीन ऑल द PSUs विल बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेटाइजेशन। देखिए, दो वर्ड हैं, ओके, प्राइवेटाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है? मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, ओके, उसमें 100 रुपये 100% है, तो गवर्नमेंट का शेयर 70% है। अब गवर्नमेंट ने शेयर जब 60% कर दिया, 10% स्टेक बेच दिया आपने, 10% बेच दिया, 60% कर लिया, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट यहाँ पे 30% बेच देती है, तो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है? 40%। अब गवर्नमेंट यहाँ पे ऑनर नहीं है, तो गवर्नमेंट ने अपनी ऑनरशिप बेच दी, तब हम कहेंगे प्राइवेटाइजेशन। तो ये डिफरेंट है, यहाँ पे तो आप ऑक्शन कर रहे हैं, कोल ब्लॉक का ऑक्शन हो रहा है ना,
दैट इज डिफरेंट। एंड प्राइवेटाइजेशन इज द वे, आप कब तक इसको रोकेंगे? एक जो फ्लो होता है ना, जैसे रिवर फ्लो कर रही है, फाइन, रिवर किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, उस रिवर का जो फ्लो है उसको आप कब तक रोक लोगे? ठीक है, आपने डैम बना दिया, फिर भी एक लिमिटेड टाइम है, वो अपना रास्ता बना के निकल जाएगी। ओके, यही तो हुआ, इंडिया को 1991 में एलपीजी के रिफॉर्म्स करने पड़े, अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा। ओके, इस तरह से लाइसेंस देने पड़े, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना पड़ा, ऑल दीज थिंग्स वर देयर। तो इसी तरह से चीज़ें आगे मूव करती रहेंगी, एक आप स्टैटिक नहीं रह सकता है चीज़ें, ठीक है ना, डायनामिक होती हैं सारी चीज़ें, जिस तरह की सिचुएशंस हैं, जो चैलेंजेस हैं उनसे डील करने के लिए, फाइन। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दिस प्लीज़ पे अटेंशन गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर टू। जो जीएस पेपर टू में आपका टॉपिक है गवर्नेंस, ओके, गुड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिसेस, ओके, कौन सी प्रैक्टिसेस आपको प्रमोट करनी चाहिए, उस पर बात हो रही है। तो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड, मतलब कॉन्फ्रेंस इस तरह से ये ऑर्गेनाइज किया गया है, वर्कशॉप है एक्चुअली। वर्कशॉप में लगभग 16 कंट्रीज के 81 सिविल सर्वेंट्स हैं, मतलब इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं, IAS, IPS, whatever it is, तो आपको क्या करना है, आपको आपका क्या काम रहेगा, गवर्नेंस, ओके, यू विल डील विद दिस गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन से आप डील करेंगे, प्रशासन का आप हिस्सा होंगे, और इसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में आता है DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो जब आप IAS ऑफिसर बन जाएंगे तो DOPT से आपका सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, DOPT डील करता है सारी सर्विस कंडीशंस एटसेट्रा, आपकी जो ट्रेनिंग होगी लबासना में, जो ड्रीम डेस्टिनेशन। ओके, तो यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल इस तरह से सिविल सर्वेंट्स हैं, ये क्या इनपुट्स दे रहे हैं, यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो ये जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस इस तरह से, वर्कशॉप इस तरह से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे बात की जा रही है कि किस तरह से हम जो है अवेयरनेस पे काम करें रादर देन एंग्जाइटी। ओके, अवेयरनेस नॉट एंग्जाइटी इज़ द की टू फाइट द ग्लोबल पेंडेमिक। तो इस कॉन्फ्रेंस का क्या पर्पस है कि ग्लोबल पेंडेमिक से लड़ने में गुड गवर्नेंस कैसे हेल्प कर सकती है। दिस कुड बी अ क्वेश्चन इन योर मेन्स एग्जामिनेशन। ओके, हाउ द गुड गवर्नेंस कैन हेल्प इन डीलिंग विद द चैलेंजेस ऑफ अ ग्लोबल एपिडेमिक और ग्लोबल पेंडेमिक। ग्लोबल पेंडेमिक होगा, ग्लोबल लेवल पे एपिडेमिक नहीं होगा, एपिडेमिक पर्टिकुलर रीजन पे होता है, फाइन। तो क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे बात की जा रही है ई गवर्नेंस की बात की जा रही है कि कोविड से लड़ने में हमें सबसे ज़्यादा हेल्प किससे मिली, ई गवर्नेंस के जो गवर्नमेंट के मॉडल थे उन्होंने हेल्प किया। कैसे, एग्जांपल बताइए। तो एग्जांपल आप दीजिए, एग्जांपल आराम से, आरोग्य सेतु इज देयर। ओके, लेट मी गिव यू दिस एग्जाम्पल, द आरोग्य सेतु ऐप इज देयर, दिस इज द एग्जाम्पल। गवर्नमेंट के जितने भी ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव हैं, ओके, आपका जो ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड इनिशिएटिव हैं, इनका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, फाइन। कैसे डिजिटल जो गवर्नेंस है वो हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पे कहा गया कि आपका जो है 2 गज दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। ओके, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जांपल आप लर्निंग को ही अपना एग्जांपल ले लीजिए। ओके, अगर आपको लर्निंग करनी है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल है, बट ऑनलाइन लर्निंग में आप आराम से घर बैठे कर सकते हैं तैयारी। सो इन दैट केस यू आर सेफ, यू आर आई मीन फॉलोइंग द सोशल डिस्टेंसिंग, एट द सेम टाइम यू आर सेविंग योर टाइम, मनी, ओके, योर एनर्जी, एवरीथिंग। तो यही बात यहाँ पे क्या की जा रही है, बात हो रही है लेस कॉन्टैक्ट गवर्नेंस की। व्हाट इज दिस लेस कॉन्टैक्ट गवर्नेंस, मतलब आपका जो जो काम है बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के इस तरह से हो जाता है डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो आप उनको करिए, गवर्नमेंट का कहना ये है, अगर उसको समराइज किया जाए, फाइन। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस लेस कॉन्टैक्ट गवर्नेंस, दिस इज अ की वर्ड यूज बाय द यूनियन मिनिस्टर इन दिस इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स कॉन्फ्रेंस। लेस कॉन्टैक्ट गवर्नेंस इज द वे टू डील विथ ग्लोबल पेंडेमिक, ग्लोबल जो पेंडेमिक के चैलेंजेस हैं, जैसे कि कोरोना वायरस। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स अडॉप्ट करने होंगे। ई ऑफिसेज की बात हो रही है, ओके, वेब रूम्स की बात हो रही है, और जितने भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं अंडर दिस
डिजिटल इंडिया या जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, यहाँ पे गवर्नमेंट को हेल्प मिली है। ओके, मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि जो वर्चुअल ऑफिसेज हैं, जो भी वेब रूम्स हैं मीटिंग्स के लिए, वेबिनार कंडक्ट हो रहे हैं, इनसे हमें हेल्प मिल रही है लेस कॉन्टैक्ट गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने। फाइन, नाउ द थिंक इज दैट कि यहाँ पे जो है लीडरशिप ऑफ द इंडिया, इंडिया की जो लीडरशिप है उसको भी अप्रिशिएट किया गया है। वॉट इज दिस कि ये जो आपका गवर्नेंस का मॉडल है, यहाँ पे टीम वर्क जरूरी है। ओके, टीम वर्क जरूरी है। कंपैशन, वी नीड दिस कंपैशन बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ हेल्थ इमरजेंसी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, तो हमें कंपैशन चाहिए। फाइन, स्टेट्समैनशिप, स्टेट्समैनशिप मतलब एक लीडरशिप आपकी होनी चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें जरूरी है। तो अगर आप सिविल सर्वेंट है, यू नीड ऑल दीज काइंड ऑफ ट्रेड्स। किस तरह के ट्रेड्स चाहिए, किस तरह के आपके अंदर एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। यू नीड दिस कंपैशन ताकि जो पुअर सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनके लिए आप सेंसिटिव हो सकें। फाइन, टीम वर्क, डेफिनेटली टीम वर्क तो चाहिए, आप अकेले तो काम कर नहीं सकते। और यहाँ पे जो स्टेट्समैनशिप की बात आ रही है, लीडरशिप की बात आ रही है, देन इट इज़ सैड कि इंडिया ने जो है यहाँ पे एक लीडर का रोल प्ले किया है एज फार एज सार्क इज देयर। ओके, सार्क हो गया आपका नाम हो गया, तो यहाँ पे इंडिया ने इन इश्यूज़ को, पेंडेमिक के इशू को डिक्लेयर किया था, मतलब इस तरह से पेंडेमिक के इशूज़ को पेंडेमिक के इशू को जो है यहाँ पे डील किया गया था, डिस्कस किया गया था, बात हुई थी कि प्रोटोकॉल्स, ओके, प्रोटोकॉल्स किस तरह के फॉलो किए जाएं इन द केस ऑफ सच काइंड ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी सिचुएशंस। फाइन, ये सब बातें हैं। एट द सेम टाइम आपके जो ई हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट किस पे फोकस कर रही है, प्लीज़ यूज दिस टर्म्स, ऑल दिस टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू फोकस ऑन द ई क्लासेज, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन, ई हॉस्पिटल्स, टेली मेडिसन, ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चरल जो आपका मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक, प्रधानमंत्री जनधन योजना इज देयर, ओके, भारत इंटरफेस इज देयर, तो इनका यूज़ किया जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, एक इम्पॉर्टेंट योजना लॉन्च हुई है, दैट इज़ दिस गरीब कल्याण रोजगार अभियान के नाम से, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के नाम से लॉन्च हुई है। आज मॉर्निंग सेशन में भी 7 बजे भी हमने डिस्कस किया था इसको, कि किस तरह से जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है ये क्या कर रहा है, जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ओके, जो अपने गाँव में वापस आ गए हैं, उनके पास काम नहीं है, तो उनको क्या करेगा, रूरल एरियाज़ में ये क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है, रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहा है। फाइन, सो यू हैव 6 स्टेट्स हियर, 6 स्टेट्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि इन 6 स्टेट में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स थे जो कि अफेक्टेड हैं, और इन 6 स्टेट के अंदर भी आपका शुरू में 116 डिस्ट्रिक्ट हैं। फाइन, 116 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, फोकस कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है इन 6 राज्यों के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट में 116 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं कि जितनी भी 25 स्कीम्स हैं इनको कंबाइन करके इनको रोजगार दिया जाएगा। तो यहाँ पे 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं ताकि इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाए। ओके, किस तरह से गवर्नमेंट इसको करेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किस तरह से देगी, गवर्नमेंट कह रही है कि हमने इनकी स्किल्स को मैप किया है। फाइन, ये जितने भी लोग हैं इनकी स्किल्स को हमने इस तरह से मैपिंग की है कि किस किस तरह की इनको स्किल है, और उसके बेसिस पे हम इनको जॉब प्रोवाइड कराएंगे। फाइन, रूरल एरियाज़ के अंदर 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। 20th of June को आपका लॉन्च होगी, अभी कर्टन रेजिंग सेरेमनी थी इसकी कल, फाइनेंस मिनिस्टर वर देयर। फाइन, 12 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये जो भी मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है कोऑर्डिनेशन के लिए, बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फाइन, दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की बात है, तो डेफिनेटली वन नेशन वन राशन कार्ड इज़ रिलेटेड टू व्हाट, इसको आप 7 AM सेशन से भी कर सकते हैं। इसमें क्या बात हो रही है, आपका जो राशन कार्ड है,
राशन कार्ड से आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में जो बेनिफिट मिल रहे हैं, ओके, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन मिल रहा है, ओके, वो राशन कार्ड अगर आपका बिहार का है और आप चले गए महाराष्ट्र में, तो वो राशन कार्ड का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ओके. फॉर एग्जाम्पल, आप महाराष्ट्र चले गए, अब आपने महाराष्ट्र में कन्वर्ट करा लिया उसको, फिर आप वापस बिहार मूव कर रहे हैं, तो फिर यहाँ बेनिफिट नहीं मिल रहा है. तो क्या बात हो रही है वन नेशन वन राशन कार्ड में, कि आपका जो राशन कार्ड है वो पोर्टेबल है, उसका बेनिफिट अक्रॉस द स्टेट्स मिलेगा, सभी स्टेट्स में. और गवर्नमेंट इसको जो है मार्च 21 तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है. फाइन, जो बचे हुए 14 स्टेट हैं जिनमें ये लागू नहीं हुआ है पोर्टेबिलिटी, उसको किया जा रहा है, ताकि किसी भी स्टेट का आपका राशन कार्ड हो, आप हर जगह उसको बेनिफिट ले सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करें साइंस एंड टैक्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं. सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये आया है, स्टडी की गई है अंडर द CSIR का जो ये लैब है, यहाँ पे रिसर्च किया गया है, और उसमें ये पाया गया कि जो कोरोना वायरस है, कोविड के जो पेशेंट है, इनकी जो डेथ हो रही है वो किस वजह से हो रही है, कि इनका जो रेस्पायरेटरी सेंटर है ब्रेन के अंदर, ओके, वो कॉलेप्स कर जा रहा है. व्हाट इज दिस रेस्पायरेटरी सेंटर इन द ब्रेन? तो हमारी जो भी एक्टिविटी होती है उसके सेंटर्स होते हैं हमारे ब्रेन में. मान लीजिए आपका जो विज़न है, जो देख पा रहे हैं आप, ठीक है, तो इसके लिए आपके ब्रेन के अंदर इस तरह से पूरा विज़न सेंटर है. अगर आपका विज़न सेंटर ब्रेन में काम कर रहा है, देन यू विल बी एबल टू सी द थिंग्स. सिमिलर थिंग हैपन्स विद दिस रेस्पिरेशन, मतलब आप सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग ले रहे हैं, तो अगर ब्रेन के अंदर ये दिखाया जा रहा है, ये आपका क्या है, ब्रेन में रेस्पायरेटरी सेंटर है. तो ये जो COVID-19 है डिजीज़ है, इसमें जो आपका कोरोना वायरस है, दिस SARS-CoV-2, दिस इज़ द नेम ऑफ दिस नोवल कोरोना वायरस. तो ये जो कोरोना वायरस है आपके रेस्पिरेटरी सेंटर पे, यहाँ पे अटैक कर रहा है. रेस्पिरेटरी सेंटर को आपका अटैक करके ये कॉलेप्स कर देता है. कॉलेप्स आपका ये सेंटर हो गया, तो फिर रेस्पिरेशन आपका ढंग से नहीं हो पाता, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपका डेवलप हो जाता है. ये आपका इसमें एस्टेब्लिश किया गया है स्टडी के अंदर. इसका बेनिफिट क्या है स्टडी का? इसका बेनिफिट ये है कि आपका जो ट्रीटमेंट है, आप जो ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, जो दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं आप कोविड के लिए, उसके अंदर अटेंशन आपका होना चाहिए कि जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है आपका, रेस्पिरेटरी सेंटर है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसको कैसे डील करोगे आप, उसको कैसे बचाओगे, वहाँ पे फोकस होना चाहिए. अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो सांस से रिलेटेड कुछ दे दिया, ओके, एंटीवायरल ड्रग दे दी. लेकिन ये जो सेंटर है, इस ये जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए, ताकि हमारा कोई भी जो ट्रीटमेंट है वो फटाफट हमें मिल सके. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस डिस्कवर. एक आपका नवरक्षक नाम से PPE सूट बनाया है, ओके, इंडियन नेवी ने नवरक्षक के नाम से PPE सूट बनाया. ये जो आपको दिख रहा है ये आपका नवरक्षक PPE सूट है. एंड व्हाट इज़ द गुड थिंग अबाउट दिस नवरक्षक? क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये जो PPE सूट है, इसका आपको जो भी डिटेल्स है कैसे बनेगा, ये आपको 5 MSME को दे दिया गया है, ओके, मतलब छोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ये बनाने के लिए इस तरह से दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट कि आप बना सकते हैं. एंड व्हाट इज़ द स्पेशल थिंग अबाउट दिस नवरक्षक सूट PPE के बारे में, कि ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव है. सेकेंड चीज़ ये होती है, आपने अगर कभी N95 मास्क यूज़ किया होगा या आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, तो डॉक्टर भी ज़्यादा देर तक नहीं लगा पाते हैं N95 मास्क. क्या होता है, सफोकेशन होने लग जाता है, बहुत मुश्किल होता है काफ़ी देर तक लगा पाना. तो यहाँ पे ये जो आपका नवरक्षक मास्क है, इसके अंदर आपको चारों तरफ से सील करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस तरह से नो नीड टू सील. तो सील नहीं कर रहे हो तो आपका कॉस्ट भी कम हो गया, ओके, कॉस्टली नहीं रहेगा. सेकंड इसका क्या बेनिफिट होगा, कि ये आपको बाहर से हवा आ रही है, हवा आने देगा इस तरह से, ओके, तो आपके लिए कम्फर्ट रहेगा, परमिट द हीट एंड मॉइस्चर, ओके, तो आप ज़्यादा टाइम तक इसको पहन सकते हैं, के ये कुछ इसके स्पेशल क्राइटेरिया था. PPE ये एक कीवर्ड है, और आप एग्ज़ाम में पूरा इस तरह से भी लिख सकते हैं कैपिटल में PPE. इसका क्या मतलब है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. क्या क्या इसमें आएगा, आपके जो है ग्लव्स हो गए, आपके मास्क हो गया, ठीक है, आपका गाउन है या फिर एप्रन हो गया, आई गियर हो गए, डिस्पोजेबल शू कवर हो गए, हुड हो गया सर कवर करने के लिए, ये सब प्रोसेस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आता है. मतलब इन्फेक्शन से बचने के लिए, सामने वाले को इन्फेक्शन ना हो, आपको इन्फेक्शन ना हो, इसलिए आपके पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं. इनको PPE वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए, ठीक है ना. अगर आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं तो केवल PPE लिखिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है.
क्योंकि इतना अब यूज़ में आ चुका है कोरोना वायरस की वजह से, दैट द एग्जामिनर विल गेट दिस आइडिया। डेफिनेटली आपके हाइजीन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। लेट्स मूव टू दिस नेक्स्ट वन। एक आपकी जो पोटेंशियल ड्रग है वो अब फेज थ्री क्लिनिकल ट्रायल में चली गई है। फेज थ्री क्लिनिकल ट्रायल का मतलब है कि ये बहुत एडवांस फेज के अंदर है। जब ये मार्केट में आ जाएगी, आपकी मार्केट में ड्रग के फॉर्म में आ जाती है, अगर यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो जाती है। क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है, कोई भी जो आपको पोटेंशियल मॉलिक्यूल लग रहा है, जो दवा बन सकती है, ड्रग बन सकती है, उसको इस तरह से टेस्ट किया जाता है। उसका प्रैक्टिकल किया जाता है। पहले एनिमल्स पे करेंगे, मान लीजिए ठीक है, रैट्स को ले लिया, फिर रैबिट्स को ले लिया, फिर लास्ट में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स को लिया जाता है, ह्यूमन्स को लिया जाता है, इंसानों पे इस तरह से टेस्ट किया जाता है पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर। तो यहाँ पे ह्यूमीफेनोविर है, ह्यूमीफेनोविर, तो इसके ऊपर आपका रिसर्च चल रहा है। और CSIR की जो लैब है, दैट सिडरी जो इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। CSIR जो है आपका, CSIR के अंडर में, CSIR के अंडर में 39 लैब्स हैं आपकी, 39 लेबोरेटरीज वर्क अंडर द CSIR, और उसमें से सिडरी एक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे सिचुएटेड है बताइए मुझे, किस जगह पे, कौन सी जगह पे सिचुएटेड है सिडरी? ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, यहाँ तो नाम भी लिखा हुआ है, बता देंगे आराम से, लखनऊ में, ये ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यूमी फेनोवीर है, इसका जो है फेज थ्री ट्रायल चल रहा है, जहाँ पे आपका जो है इसको चेक किया जाएगा, इसकी सेफ्टी टॉलरेंस क्या है। एंड एज फार एज यूमी फेनोवीर इज कंसर्न, दिस इज़ अ एंटीवायरल ड्रग, एंटीवायरल ड्रग है, और कोरोना वायरस के लिए इसको टेस्ट किया जा रहा है, कोरोना वायरस के ऊपर इसको टेस्ट किया जा रहा है, जो कोरोना के पेशेंट हैं। सो फाइन, सो दिस इज़ ऑल गाइज। ये डिटेल्स हैं किस तरह से स्टडी जो है सेफ़ होती है, कितनी इफेक्टिव होती है, तो ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। अगर ये सक्सेसफुल होगी तो बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस नेम, यूमी फेराविर, एंड यूमी फेनोविर आपको ध्यान रखना है कि ये एंटीवायरल ड्रग है। दिस इज द कोट टाइम गाइज, वेन वी स्ट्राइव टू बिकम बेटर देन वी आर। जितने अभी हम अच्छे हैं उससे हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, द थिंग्स अराउंड अस बिकम्स बेटर टू, वो भी इम्प्रूव करना स्टार्ट हो जाते हैं अपने आप। ओके, सो एक तरह से मैसेज दिया जा रहा है दैट दिस पॉजिटिव पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिव एनर्जी, ये भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, एक तरह से कंटेजियस है, ठीक है ना। अगर आप किसी पॉजिटिव बंदे के पास बैठ रहे हैं तो आपको भी पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं, ठीक है, कुछ अच्छे थॉट्स आते हैं। अगर आप किसी डिप्रेस्ड बंदे के पास चले गए तो पता चला आके आप भी डिप्रेशन में बैठ गए। सो ट्राई टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दीज निगेटिव पीपल्स इन योर लाइफ। ओके, इग्नोर दैम, डोंट ट्राई टू इंटरेक्ट मच, फाइन, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उसको उस तरह से वहाँ पर ड्रेन कर लेंगे वो। ओके, विद दीज ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड ऑल। ओके, सेल्फ मोटिवेट करते रहिए, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए, ऑल दिस थिंग्स। सो दिस इज ऑल गाइज, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर करंट अफेयर्स। इफ़ यू आर ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म, 1:30 PM से 3:30 PM तक आपका ये कंप्लीट करंट अफेयर कोर्स है। दिस इज अ काइंड ऑफ 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर ऑल योर करंट अफेयर डिलीमा। ओके, तो जो करंट अफेयर की जितनी भी इशू है, अगर आप 2020 या 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स ऑन द करंट अफेयर, जिसकी क्लासेस 1:30 से 3:30 PM पे हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्लस में।